हर एक साल पिछले 5 सालों से हम लोग हर बार बजट आने के बाद इसमें जो सबसे नीचे का अंतिम जन है उसे क्या मिला, देश की विकास की दिशा, आर्थिक दिशा किस रास्ते में जा रही है उसका हम विश्लेषण करते हैं। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब किसानों, मजदूरों, मछुआरों, हैंडलूम वर्कर्स, अर्बन पुअर, शहर में रहने वाले गरीब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उनकी हमेशा एक इच्छा रहती है और अपेक्षा भी रहती है सरकार से कि जब बजट आए तो उनके लिए क्या किया जाए। अगले आम चुनाव के पहले का बजट है यह पूरा बजट और इसमें सरकार ने अपनी तरफ से पूरे एक चुनावी मुद्दे को देखते हुए उस एड्रेस के साथ उन्होंने यह बजट पेश किया था। ये 24 लाख करोड़ का मामला किस दिशा में जा रहा है तो एक एक सेक्टरल एनालिसिस विश्लेषण के साथ साथ उन्होंने जो भी बंटवारा किया है उसका अंतिम उद्देश्य देखना जरूरी है, न केवल अवाउड ऑब्जेक्टिव। फाइनेंस मिनिस्टर और उनके बाद प्रधानमंत्री ने जो बात रखी है उसमें उनका जोर से अभिमान आई गर्व के साथ कहना रहा है कि ये किसानों का बजट है, किसानों के पक्ष में है। पर जो दो मुद्दे किसानों के विशेष रूप से उठाए हैं इसमें संपूर्ण ऋण मुक्ति और उपज का सही दाम, ये विशेष रूप से अधोरेखित है। तो इन दो मुद्दों पर इन्होंने क्या किया है, इतनी बड़ी बात आत्महत्याओं की और वो ऋणदारी कर्जदारी के कारण हो रही है और उसका जिक्र तक फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट एक्सरसाइज में नहीं करते हैं, ये शर्मजनक बात है। पर MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मानी जाती है वो मैनिपुलेटेड सपोर्ट प्राइस है, ये आज चित्र किसानों के सामने स्पष्ट रूप से आ चुका है। क्रेडिट 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 की जो बात है, ये क्या पूरे दुनिया देश को कर्जदारी बनाना चाहते हैं क्या, ये सवाल आता है। ऐसा लगता है कि अरे क्रेडिट दे दिया तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कर्ज हो नहीं ऐसी स्थिति पैदा करना, तो एलोकेशंस के पीछे विजन होनी चाहिए। जो प्रमिस किया था ये सरकार आने वाले 400 पब्लिक मीटिंग मोदी जी खुद किया था, उनमें सारे जो प्रमिस किया था वो 4 साल में कुछ नहीं है। कोई सरकार 4 साल के अंदर इतना आइसोलेटेड नहीं, ये सारे बजट में जो है कुछ होने वाला नहीं है, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है, इवन पब्लिक का भी कोई डाउट नहीं है जी ये लागू होने वाला नहीं है। और लागू होने का ईमानदार होता तो ये पहले बजट में करता, ये तो छठी बजट है ना, पहले बार एक हाफ बजट हुआ, उसके बाद 4 पूर्ण बजट हुआ, अभी एक बजट आया है, तो ये पहले बजट में रखता तो हर साल में 5-10% इम्प्लीमेंट होते होते शायद कुछ 10-20% होता। आज बजट पास हुआ, 6 महीने के अंदर चुनाव शुरू हो जाएगा और चुनावी सिलसिला शुरू हो जाएगा तो लेम में गवर्नमेंट इसमें कोई भूमिका नहीं रहेगा, कोई चर्चा नहीं होगा, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, सब वोट का मिजाज में चला जाएगा। तो ये जो है एब्सोल्युटली धोखा है, ये कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ऑल दी वेलफेयर मेजर्स आर इन डेंजरस रिस्क, ऑल दी क्लेम्स आर गोइंग टू बी क्लेम्स आफ्टर 2019, वीकर सेक्शंस बिलोंगिंग टू scheduled castes and tribes, weaker sections like fishery ridden or weaving ridden or other artisan class or the rural occupational class, besides the vast agricultural sectors, they are going nowhere. Economic survey was appreciated like anything by each and everybody. Did the finance minister's statement reflected the understanding of economic survey that has been done by them, as if they have ignored? Institutionalized mechanism was supposed to be the priority, only then the program announcement is to happen. But today, even after a year of Pradhanamantri Fasal Bhima Yojana, the exact modalities by the insurance companies are yet to be worked out.